तो दोस्तों, अगर आपको शॉर्ट वीडियो पर थंबनेल लगाने में प्रॉब्लम आ रही है, शॉर्ट वीडियो पर थंबनेल लगाने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि शॉर्ट वीडियो पर थंबनेल लगाने से उनकी जो शॉर्ट वीडियोज है वो शॉर्ट फीड्स में नहीं जाती है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा देती हूँ। ये एक चैनल है एटी मोटिवेशन बाय अरविंद अरोरा। ये सर शॉर्ट वीडियोज बनाते हैं और आप देख सकते हैं ये अपनी सारी शॉर्ट वीडियोज पर थंबनेल भी लगाते हैं और इनकी वीडियोज पर ब्राउज फीचर से भी व्यूज आते हैं और शॉर्ट फीड से भी व्यूज आते हैं। तो आप अपनी शॉर्ट वीडियोस पर थंबनेल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी शॉर्ट वीडियो को कैसे अपलोड करना है जिससे कि आपकी शॉर्ट वीडियो में थंबनेल लगाने का ऑप्शन आ जाएगा, उसके लिए चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें, इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, शॉर्ट वीडियो पर थंबनेल लगाने के लिए आपको अपना YT स्टूडियो ओपन करना है एंड देन आपको यहाँ पर प्लस के साइन पर क्लिक करके क्रिएट अ शॉर्ट पर क्लिक करना है और अपनी फोन गैलरी में से एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देनी है, जो भी वीडियो आप अपलोड करना चाहते हैं। और दोस्तों, आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि आपको अपनी वीडियो को अनलिस्टेड करके ही अपलोड करना है। अब हम यहाँ से अपनी वीडियो को अपलोड कर देंगे। उसके बाद जब आपकी शॉर्ट वीडियो अपलोड हो जाती है, उसके बाद सीधा आपको अपने YT स्टूडियो को ओपन कर लेना है और यहाँ से कंटेंट वाले ऑप्शन में जाकर के अपने शॉर्ट्स वाले सेक्शन से अपनी शॉर्ट वीडियो पर आ जाना है, जो भी शॉर्ट वीडियो आपने अपलोड की है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये शॉर्ट वीडियो मैंने यहाँ पर अपलोड की है। अब दोस्तों, वीडियो पर थंबनेल लगाने के लिए आपको यहाँ पर पेंसिल वाले आइकन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर थंबनेल लगाने का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। तो थंबनेल लगाने का ऑप्शन तब आएगा जब आपको यहाँ पर विजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी शॉर्ट वीडियो को शेड्यूल कर देना है, जिस भी डेट पर, जिस भी टाइम पर आप अपनी वीडियो को पब्लिक करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर 14 सेलेक्ट कर लेती हूँ, ओके कर देंगे और यहाँ से टाइम हम सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से एंड ओके कर देंगे। अब आपको यहाँ पर सेट एज प्रीमियर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपकी वीडियो यहाँ पर बैक जा करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पर रिफ्रेश करना है और अब यहाँ पर जब आप पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके अपनी वीडियो पर थंबनेल लगाने के लिए जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर थंबनेल लगाने का ऑप्शन आपको मिल गया है। तो आप यहाँ से कस्टम थंबनेल जो भी आप लगाना चाहते हैं वो बड़े आराम से लगा सकते हैं। और अब यहाँ पर गैलरी से थंबनेल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डन कर देना है। तो इस तरीके से आप अपनी शॉर्ट वीडियो में थंबनेल लगा सकते हैं। अब आपको यहाँ पर सेव कर देना है और आपकी शॉर्ट वीडियो में बड़े आराम से थंबनेल लग जाती है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।